हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी आपको लेकर। आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट हैं, अगले कुछ घंटों में वह कैसा महसूस कर सकते हैं आपको लेकर, या कैसा महसूस कर सकती हैं, क्या उनकी एनर्जी और क्या उनकी फीलिंग्स हो सकती हैं। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी जोडियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ओके, जस्ट अ सेकेंड, क्योंकि व्यूअर्स, जो मैसेज आपको जो मिलना है वो तभी आपको मिलता है अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, मुझे सुन रहे हैं। तो जितने समय बाद भी आप पहुंचे हैं, तभी आपको ये मैसेज मिलना था जब आप ये सुन रहे हैं। ओके, चलो तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि उनकी फीलिंग्स जो हैं वो अगले कुछ घंटे में क्या होंगी आपको लेकर। लेकिन आप स्पेशली उस पर्सन के बारे में सोचिए जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, स्पेशली उन पर फोकस कीजिए। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, हर्मिट, फाइव ऑफ सॉर्ड्स अपने आप पॉप आउट हुआ है, चलिए एक कार्ड और चाहिए हमें। एंड हियर वी हैव दिस पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो स्वॉर्ड्स के जो कार्ड्स हैं वो कुछ यहाँ पर ज़्यादा आए हैं। यू कैन सी फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, यू कैन सी फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन जो है वो कैसा महसूस करेंगे आपको लेकर या करेंगी। ओके, आई होप दीज कार्ड्स आर विजिबल। सबसे पहली चीज़ व्यूअर्स यहाँ पर जो मैं नोटिस कर पा रही हूँ वो ये है, इतने सारे स्वॉर्ड्स हैं, एक स्ट्रेस पता चलता है यहाँ पर, एक टेंशन, एक एंग्जाइटी, एक टेंशन यहाँ पर दिख रहा है, एक स्ट्रेस यहाँ पर दिख रहा है, और ऐसा लगता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के बीच हुआ है। ओके, आप लोगों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कुछ तो ऐसा इशू आप लोगों के बीच हुआ है, या डिसएग्रीमेंट हुआ है किसी बात पर, बट समथिंग हैज़ हैपेंड जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं अच्छे मूड में नहीं है। अगले कुछ घंटों में लगता है कि यह इंसान अच्छे मूड में नहीं है, और उसके साथ साथ ये भी लग रहा है कि अगले कुछ घंटों में ये जो इंसान है ये बहुत ओवरथिंकिंग करने वाला है। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि अगले कुछ घंटों में ये इंसान बिजी नहीं है, और अगर सच में कहीं बिजी है तो भी ये इंसान वहाँ पर एक्टिव नहीं है। यानी कि आप सच में कुछ काम करने गए हो, सच में कहीं आप अपना टाइम दे रहे हो अपना, लेकिन वो इतना प्रोडक्टिव नहीं है। जैसे आप एक घंटे किताब लेकर बैठे रहे लेकिन आपने पढ़ा कुछ नहीं, तो मतलब कुछ करने तो आप बैठे हैं, कुछ कहीं इन्वॉल्व तो आप हुए हैं, लेकिन वहाँ प्रोडक्टिव कुछ हो ही नहीं रहा। जैसे बस घर से बाहर तो निकले लेकिन आप कहीं पहुँचना नहीं है, या ऐसी चीज़ें कि आप कोई काम करने बैठे तो उसको लेके बैठे रहे, कुछ किया नहीं, एक्चुअल में कुछ किया नहीं। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये भी या तो फ्री है ये अगले कुछ घंटों में, या फिर ऐसा लगता है किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व है जहाँ पर ये एक्टिव नहीं है, जहाँ पर इनका ध्यान नहीं है कम्प्लीटली। इनफैक्ट यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि ये इस तरह से फ्री है व्यूअर्स के बहुत ज़्यादा ना, ये चुपचाप बैठ कर एक कोने में जैसे ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। दे क्वाइट एंड दे आर थिंकिंग अबाउट यू, चुपचाप हैं बिल्कुल, दे आर साइलेंट एंड दे आर थिंकिंग अबाउट यू, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, और जो भी सोच रहे हैं ना वो एक्स्ट्रा और ओवर सोच रहे हैं, ओवर कंटेम्पलेट कर रहे हैं, ओवर इंटरप्रेट कर रहे हैं, ओवर जज कर रहे हैं, ओवर अज्यूम कर रहे हैं, ओवर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और ओवर कहीं ना कहीं थिंक कर रहे हैं। तो ये ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं आपको लेकर इनकी चल रही है, और वो इस इंटेंसिटी के साथ चल रही है कि उनका ध्यान, उनका फोकस किसी और चीज़ में, किसी और प्रोडक्टिव चीज़ में नहीं है, चाहे फिर वो एक्चुअल में फ्री हैं या कहीं पर होने के बाद भी उन्होंने अपने आप को फ्री कर लिया है।
मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स, क्योंकि इंसान थोड़ा सा मुझे लगता है आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है, और ये खुशी खुशी नहीं सोच रहा है आपके बारे में ये इंसान, मेल फीमेल कोई भी हो, ये स्ट्रेस में आपके बारे में सोच रहे हैं, किसी टेंशन में आपके बारे में सोच रहे हैं। इस वजह से उनका मूड इतना ऑफ हो सकता है कि किसी बात पर उनको जल्दी गुस्सा आ जाएगा, या बहुत जल्दी किसी के साथ उनकी बहस, एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है, किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ सकते हैं। जैसे कि अगर मूड ऑफ है तो अगर कोई फ्रेंड बात करने आएगा तो उसके साथ झगड़ा कर लिया, या उसके साथ तू तू मैं हो गई, आर्ग्यूमेंट हो गया, या फैमिली ज़्यादा पास होगी उस समय तो फैमिली से हो सकता है कोई झगड़ा हो जाए, या बाहर है कहीं तो बाहर किसी से कोई तू तू मैं या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो अगले कुछ घंटों की एनर्जी इनकी यही है, जैसे कि इनका मूड इतना ख़राब है कि जो इनके आसपास होगा उसी के ऊपर इनका गुस्सा निकल जाएगा, या उसी के साथ इनकी बहस हो जाएगी, उसी के साथ कहीं ना कहीं कोई ट्रबल होगा, कोई प्रॉब्लम होगी। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये थोड़ा अग्रेसिव भी हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा अग्रेसिव और थोड़ा सा रूड हो सकते हैं ये दूसरों के साथ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अपने इमोशंस को ना ये इंसान हैंडल नहीं कर पा रहे और कर भी नहीं पाएंगे। अगले कुछ घंटों में ऐसा मोमेंट आ सकता है जब इनकी किसी से बहस, किसी से कॉन्फ्लिक्ट, किसी से आर्ग्यूमेंट हो सकता है, इनकी वजह से दूसरों को हर्ट भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो दूसरे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा, दूसरे लोगों को इनकी बात कोई हर्ट कर सकती है, इनका बिहेवियर, इनका गुस्सा कहीं ना कहीं दूसरों को हर्ट कर सकता है, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों या फ्रेंड्स हों या सिबलिंग्स हैं, कोई भी हैं जिनके साथ भी ये थोड़ा हार्श बिहेव करेंगे, कहीं ना कहीं उन लोगों को बुरा लगेगा, उन लोगों को भी हर्ट होगा। लेकिन आपके पर्सन जो हैं वो ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनका मूड भी खराब है और ओवरथिंकिंग भी कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स, यहाँ पर क्योंकि देखिए हर्मिट का कार्ड भी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये इंसान डीप थिंकिंग कर रहा है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट ओवर थिंकिंग, ऐसा नहीं है कि बस सब कुछ ओवर एनालाइज ओवर इंटरप्रेट ओवर कंटेम्पलेट, नो, यहाँ पर बहुत डीप लेवल की थिंकिंग हो रही है। दे आर थिंकिंग अबाउट यू वेरी डीपली। अगले कुछ घंटों में ना ये इंसान आपके बारे में बहुत गहराइयों में जाके सोच रहा है, और सच में अकेले में आइसोलेशन भी यहाँ पर पता लगता है कि ये इंसान बिल्कुल अकेले बैठकर, अकेले होकर या अपने मन को, अपने आप को बिल्कुल अकेला कर आपका चिंतन कर रहे हैं, और बहुत गहराई में जाके आपका चिंतन कर रहे हैं। यस, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अगले कुछ घंटों में 40-50% लोगों के लिए ये बात हो सकती है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में 40-50% लोगों के लिए ये हो सकता है कि ये इंसान कोई कॉल मैसेज कर दे, या फिर कोई हिंट, कोई साइन इनकी तरफ से आपको देखने को मिले, इसके चांसेस हैं। लेकिन सिर्फ 40-50% केसेस में, 40-50% केसेस में इनकी तरफ से कोई माइनर बेसिक नॉर्मल सिंपल एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वो भी आउट ऑफ ओवरथिंकिंग, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, रुक नहीं पाएंगे वो, और कहीं ना कहीं आपको कोई साइन, कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसा हिंट दे बैठेंगे। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि ये इंसान बहुत अकेला है अगले कुछ घंटों में, या अकेला हो गया है या अकेली हो गई है, बहुत ज़्यादा परेशान है, स्ट्रेस में है, स्ट्रेस की वजह से फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई है। दे आर नॉट लुकिंग हैप्पी एट ऑल। दे आर फाइटिंग विद पीपल अराउंड, इनके आसपास जो लोग हैं उनसे लड़ रही हैं, झगड़ा कर रही हैं या कर रहे हैं, ऐसा लगता है। अगले कुछ घंटों में उनकी फीलिंग्स आई और क्लैरिफाई करते हैं। अगेन टू ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है व्यूअर्स कि बहुत ज्यादा गहराई में सोचने के बाद ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फंस जाएंगे। अभी शायद इतनी स्टक एनर्जी में नहीं है, लेकिन जब ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर लेंगे, ज़्यादा डीप एनालिसिस कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि ये इंसान ना फंसने वाले हैं, अब स्टक हो जाएंगे। स्टक हो जाना यानी कि एक भ्रम पाल लेना, फिर उसमें फंस जाना, एक इल्यूजन में,
एक इल्यूजन में फंस जाना, एक भ्रम में फंस जाना, कहीं ना कहीं इतना डेप्थ तक जाके, इतना गहराई में जाकर या इतना ओवर सोचकर अपने आप को फंसा लेना, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अगले कुछ घंटों में ऐसा हो सकता है, बहुत जल्द, कि ये इंसान ना ज्यादा सोचने की वजह से कुछ डिसाइड नहीं कर पाएंगे। छोटी छोटी बातें भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे, उलझ जाएंगे या स्टक हो जाएंगे, ऐसा लगता है, डिसीजन नहीं ले पाएंगे, या दे वोंट बी एबल टू टेक अ डिसीजन। व्यूअर्स, वो आपको अप्रोच तो अब भी करना चाहते हैं, चाहती हैं, बट दे हैव फियर ऑफ रिजेक्शन, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद भी एक डिसीजन पर ये इंसान नहीं पहुंचा है या नहीं पहुंची है। ऐसा लगता है व्यूअर्स कि क्योंकि आप इनको अब इग्नोर कर रहे हो, आई थिंक आपने इस इंसान को या तो साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, ओके, आपने हो सकता है इस इंसान को या तो साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, या फिर आपने इग्नोर करना या अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया है इस पर्सन को। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप ना सब कुछ नोटिस कर रहे हो, सब कुछ जानते हो, लेकिन अब आप इनकी बात पर ट्रस्ट नहीं करना चाहते हो, तो आपकी तरफ से ना ये इंसान फील कर सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस है, एक ब्लॉकेज है, एक रुकावट है, चाहे एनर्जेटिक सही, लेकिन एनर्जेटिकली वो ऐसा फील कर पा रहे हैं जैसे एक बाउंड्री सेट है बीच में, ये एक बाउंड्री क्रिएट कर दी गई है, एक वॉल क्रिएट कर दी गई है, ऐसा फील कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको रुकावट महसूस होती है, आपकी वाइब ऐसी है, तो उनको लगता है या तो आप ट्रस्ट नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे हो, या कहीं ना कहीं आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, बट यू आर अवॉइडिंग दिस पर्सन इन शॉर्ट। और आप इनको जितना अवॉइड कर रहे हो ना, या जितना आप इनको इग्नोर कर रहे हो, या जितना आपने इन पर ध्यान देना बंद कर दिया है, उतना ही इस इंसान का गुस्सा, अग्रेशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। या जितना आप इस इंसान को इग्नोर कर रहे हो, उतना ही इनका जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, और बहुत ज़्यादा ओवर सोचने की वजह से या बहुत ज़्यादा एनालाइज करने की वजह से सिचुएशन को, अगर आप एनालाइज करते हो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी सिचुएशन को ओवर एनालाइज करोगे, किसी परिस्थिति को ओवर एनालाइज करोगे, तो फिर आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, आप फंस जाओगे। मुझे लग रहा है कि अगले कुछ घंटों में ये डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हैं। या मैं और क्लैरिफाई करती हूँ, एंड दे हैव दिस फियर ऑफ रिजेक्शन ऑल्सो, उनको ये भी डर लग रहा है कि अगर उन्होंने कोई डिसीजन लेकर आपको सच में अप्रोच किया, या आपसे कोई इंपॉर्टेंट बात की और आपने वो बात नहीं सुनी, या कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया, या जैसा रिस्पॉन्स ये चाहते हैं वैसा रिस्पॉन्स नहीं दिया, एक पॉजिटिव हैप्पी रिस्पॉन्स नहीं दिया, या कहीं ना कहीं व्यूअर्स आप भी थोड़ा क्लोज्ड ऑफ रहे, थोड़ा सा आप भी डिफेंसिव रहे, तो उनको और ज़्यादा बुरा लगेगा, और उसकी वजह से उन्हें अपने आप पर बहुत गुस्सा आएगा। ये सब चीज़ें मुझे लग रहा है अगले कुछ घंटों में वो फील कर रहे हैं। उनको फियर ऑफ रिजेक्शन भी फील हो रहा है कि आपने नहीं सुना, आपने रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं किया, आपने ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, अच्छे से नहीं सुना इनको, तो इन्हें कैसा लगेगा। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आज भी इनका किसी से झगड़ा हुआ है, बहस हुई है। अब झगड़े का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ी फाइट, लेकिन आर्ग्यूमेंट आज भी किसी के साथ हुआ है। मैंने जो बोला 40-50% लोगों के लिए, मैंने जो बोला कि अगले कुछ घंटों में इनकी तरफ से कोई कॉल, मैसेज, कोई हिंट, कोई साइन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज दिस पर्सन हैज़ फीलिंग्स फॉर यू। अभी परेशान हैं, अभी गुस्से में भी हैं, अभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओके, अभी रिजेक्शन से या आपके इग्नोर करने से या कहीं ना कहीं आपके अच्छे रिस्पॉन्स ना करने से डर भी रहे हैं, लेकिन व्यूवर्स यहाँ पर ऐसा दिखता है कि इस इंसान के मन में आपके लिए जेन्युइन फीलिंग्स हैं। ये जो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है ना, वो बताता है कि जब बात आपकी आती है ना, तो ये इंसान बचपने में चले जाते हैं, या इनके अंदर का बचपना हाईलाइट होता है, इनका बचपना उभर आता है जब बात आपकी होती है, आपको देखकर
या आपके लिए इस इंसान का बिहेवियर, इस इंसान की एनर्जीज बहुत चाइल्डिश हो जाते हैं और कहीं ना कहीं ये इमेच्योर बिहेव करने लगते हैं। अगले कुछ घंटों में भी ऐसा है कि बहुत इनोसेंस के साथ या मासूमियत के साथ बहुत ज़्यादा ये इंसान आपके लिए इतना इंटेंस, जेन्युइन, सीरियस लव आपके लिए फील कर सकते हैं। तो अगले कुछ घंटों में उन्हें आपके लिए इतना इंटेंस प्यार भी महसूस हो रहा है, ओके, कहीं ना कहीं प्यार भी महसूस हो रहा है यहाँ पर। और ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपसे बात करने के लिए छोटी मोटी कोशिश भी करने के बारे में सोच रहे हैं। तो आपसे बात करने के लिए कोई छोटा मोटा एक्शन लेने के बारे में ये इंसान ज़रूर सोच रहे हैं। तो व्यूअर्स, अगले कुछ घंटों में मुझे ये इंसान, पहली चीज़ तो अकेले दिख रहे हैं, इनके आसपास कोई नहीं है और बहुत ज़्यादा कहीं चुपचाप बैठकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यूअर्स उनका बहुत लोगों के साथ एक झगड़ा, एक आर्ग्यूमेंट हुआ हो सकता है या अगले कुछ घंटों में होने वाला है, या अगले कुछ घंटों में किसी के साथ इनकी बहस हो जाएगी, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कहीं ना कहीं व्यूअर्स वो डर रहे हैं इस बात से भी कि आपके साथ जो उनका कॉन्फ्लिक्ट हो गया है या आपके साथ जो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, उसके बाद आप शायद इनका प्रपोजल एक्सेप्ट ना करें, उसके बाद शायद आप इनकी बात ना सुने, या उसके बाद कहीं ना कहीं आप जो है इनको रिस्पेक्ट ना करें या इनको पॉजिटिवली रिस्पॉन्स ना करें, ये सब चीज़ों का इनको डर है। मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा सोचने की वजह से ये इंसान जो फैसला करना चाहते थे कि वो आपसे बात करें या ना करें, क्या बात करें क्या ना करें या क्या सोल्यूशन निकालें, तो अब वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अगले कुछ घंटों में ये इंसान मुझे स्टक नज़र आ रहा है, यस, लेकिन यहाँ प्यार है, इतने परेशान हैं, इतने अफेक्टेड हैं कहीं ना कहीं, इतना ज़्यादा इस बात को लेकर टेंशन में आ गए हैं, इससे पता लगता है। और क्वीन ऑफ कप्स भी यहाँ पर है, साफ साफ पता लगता है कि इनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए जेन्युइन है, इनका प्यार झूठा नहीं है। अगर हम ज़ोडियक साइंस की बात करें, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस, स्वॉर्ड्स एंड कप्स, यानी प्यार है और प्यार का दुख भी है, दर्द भी है प्यार का और प्यार भी है। कप्स यहाँ पर प्यार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेकिन स्वॉर्ड्स यहाँ पर पेन को दिखा रहे हैं, ओके, उलझन में है ये इंसान। ये कुछ ज़ोडियक साइंस है जो आपके या उनके हो सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। I need one card at one time. I will shuffle again. Addictions are affecting your romantic life. मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स के इस इंसान की कुछ ऐसी आदतें हैं, कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जिस वजह से आप लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, क्योंकि इनकी कुछ ऐसी आदतें हैं जो ये चेंज नहीं कर रहे थे या कहीं ना कहीं इम्प्रूव नहीं हो रही थी, और जिन आदतों से या जिन पैटर्न से, जो पैटर्न है इनका या जो बिहेवियर है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप बहुत परेशान हो गए थे। कुछ एक टाइप की ऐसी चीज़ है जैसे इनका ईगोइस्टिक होना, ये कहीं ना कहीं इनका शॉर्ट टेम्पर्ड होना, ज़्यादा गुस्से वाला होना, ज़्यादा कंट्रोलिंग होना या कहीं ना कहीं ज़्यादा सीरियस नहीं होना, नॉन सीरियस रहना, हमेशा चीज़ों को लेकर सीरियस नहीं होना। तो बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पर इस इंसान की ऐसी हैं, कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं, कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो आपको पसंद नहीं है व्यूअर्स। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अगले कुछ घंटों में ही सही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान इस बारे में सोचेंगे ज़रूर कि इन्हीं की वजह से, इन्हीं के पैटर्न्स की वजह से यहाँ पर कुछ स्पॉइल हुआ है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, कहीं ना कहीं व्यूअर्स अगले कुछ घंटों में, क्योंकि वो इस चीज़ से डर रहे हैं कि आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं, इग्नोर तो नहीं करोगे, पॉजिटिव रिस्पांस दोगे या नहीं, तो उसके साथ साथ वो ये भी सोच रहे हैं व्यूवर्स कि आप उनका विश्वास क्यों नहीं करते हैं, जबकि आप उनका विश्वास आराम से कर सकते हैं। ये इंसान कभी भी आपको
चीट नहीं करेंगे या कहीं ना कहीं आपके विश्वास को नहीं तोड़ेंगे, तो वो ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे अगले कुछ घंटे में, ऐसा चाहेंगे कि आपने जो एक वॉल क्रिएट कर ली है या कहीं ना कहीं आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिफेंसिव एक आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिफेंस सिस्टम कहीं ना कहीं एक्टिवेट कर रखा है, तो आपको ज़रूरत नहीं है ये सब करने की, यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन, ऐसा ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे वो ऐसा सोच रहे हो कि आप विश्वास क्यों नहीं करते उन पर, जबकि आप उन पर खुल के विश्वास कर सकते हैं। यह फैमिली इश्यूज की बात भी है व्यूअर्स, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन की कुछ आदतें, कुछ हैबिट्स, कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं जो आपको नहीं पसंद हैं, और साथ ही साथ इनका कोई फैमिली इशू भी है। इनके फैमिली इशू की वजह से इनकी लव लाइफ बहुत अफेक्ट होती है, और अगले कुछ घंटे में भी ऐसा हो सकता है कि बार बार उनको फैमिली वाली बात ध्यान में आएगी। यहाँ पर थ्री ऑफ कप्स का कार्ड था लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं था, लेकिन अब जो यहाँ पर फैमिली इशू निकल कर आ गया है तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि मुझे क्लियर हो गया है कि यहाँ पर एक थर्ड पार्टी इशू है जो कि फैमिली हो सकती है, एक थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम है जो कि फैमिली हो सकती है या फैमिली का एक मेंबर हो सकता है, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर अफेक्ट करता है आपके पर्सन के डिसीजंस, उनकी लव लाइफ को। यस, तो फैमिली इश्यूज की वजह से मुझे लगता है कि ये इंसान स्ट्रेस में आ सकते हैं और ओवर थिंकिंग भी इसीलिए कर सकते हैं अगले कुछ घंटों में, क्योंकि उनको बार बार ऐसा लगता है कि फैमिली और अगेंस्ट है, या फैमिली और सपोर्टिव नहीं है, फैमिली अगेंस्ट है, या फैमिली बहुत कंट्रोलिंग है, या फैमिली बहुत ज़्यादा यू नो इनटॉलरेंट है, या फैमिली कहीं ना कहीं मोटिवेट नहीं करती है, सपोर्ट नहीं करती है, कहीं ना कहीं यह फैमिली इशू है जिसकी वजह से उनको ओवर थिंकिंग ज़्यादा करनी पड़ रही है। सो दिस वॉज द रीडिंग व्यूअर्स, आप कमेंट करके बताइए कितने परसेंट रेजोनेट करती है, कितनी हेल्पफुल रही है। वीडियो को लाइक करें ज़रूर और कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। रीडिंग को क्लेम करने के लिए एंजल नंबर को टाइप करें और आप ग्रैटिट्यूड शो करें, थैंक यू बोलें जिन पर भी आपका फेथ है, जिन पर भी आपका विश्वास है, कमेंट्स में ज़रूर उनको ग्रैटिट्यूड शो करें। और आने वाली रीडिंग्स के लिए आप टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, वन बाय वन में कंसिडर कर पाऊंगी। या तो यहाँ पर वो ऐसी कुछ बातें सोच रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।